दोस्तों, मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से बात की जाए इस समय मीत हुड्डा की। तो मीत हुड्डा इस तरीका से पूरी पता कर रही है, पूरी जान पहचान की आखिरकार माजरा क्या है, क्योंकि दोस्तों उसने कंप्यूटर में चेक करा के देख लिया है कि आखिरकार कौन बंदा कितना कसूरवार है और किसकी यहाँ पर गलती नजर आ रही है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी वाकई में एक अलग ही ट्विस्ट लाती हुई नजर आ रही है। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय मीत हुड्डा और साथ में मनवीत पहलवान बहुत ज़्यादा चिंतित भी हैं, क्योंकि आखिरकार उनको भी पूरी तरीके से बात समझ आ चुकी है कि कहां पर किसकी गलती देखी जा रही है। आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि जल्दी ही उस लेडीज़ के खिलाफ एक्शन लेने वाले हैं कि जिसने मोहन को मारने की फिराक में है और मोहन को लगातार पकड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मोहन ही उस लड़की से दुबक रहा है, क्योंकि वो लेडीज लगातार मोहन के ऊपर अटैक पर अटैक करने की फिर फुल ऑन कोशिश करती हुई नजर आ रही है। साथ ही दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि फिलहाल अगर बात की जाए तो फिलहाल सभी लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में नजर आ रहे हैं कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या चल रहा है और ये सब कुछ क्यों हो रहा है, व्हाट कैन आई डू। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि अभी तक सब कुछ नॉर्मल था और सब कुछ नॉर्मल पोजीशन में ही नज़र आ रहा था, लेकिन फाइनली मीत हुड्डा ने वो चीज़ को बोल दिया है सभी लोगों के सामने कि आखिरकार इस शराब की फैक्ट्री में ये लेडीज़ क्यों इन्वॉल्व करना चाहती है और इन बालकों का किस तरीक़ा से दुरुपयोग करने की कोशिश कर रही है लगातार। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी एक नया मोड़ लेती हुई नज़र आ रही है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीक़ा से लगातार कोशिश हो रही है। आखिरकार मोहन की बात की जाए तो मोहन ही खुद मीत हुड्डा का बेटा है वो जो दुबक रहा है। साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएगा कैसे लगी मेरी वीडियो। थैंक यू।